Good afternoon student, my name is Roshni Rekhate and today I am going to teach you the 5th class mathematics, the chapter number 8, perimeters and area. So in the previous lecture we can discuss this, what is perimeters of rectangle and what is the perimeter of square, and calculate this problem of this square and rectangle. So in this lecture we can discuss this question, page number 138. In this question number 2, we can solve this problem A, B and C. Question page number 138 में से question number 2 के हम अभी A, B और C problem solve करेंगे. हमने अभी तक देखा था कि what is perimeter? Perimeters means क्या होता है? Perimeter कैसे निकाला जाता है? Square का कैसे निकाला जाता है? Rectangle का कैसे निकाला जाता है? अभी हम इस diagram का भी पेरीमीटर्स निकालेंगे. ओके, सो आपको पता है कि पेरीमीटर्स क्या होता है, पेरीमीटर्स मींस क्या होता है. सो पेरीमीटर्स मींस होता है कि एडिशंस ऑफ ऑल द साइड, जितने भी साइड्स हमें डायग्राम में दी हुई है उस सब की एडिशन करना और कैलकुलेशन करना और आंसर निकालना, यही होता है पेरीमीटर. सो अभी हम इस डायग्राम का भी निकालेंगे और इस डायग्राम का भी निकालेंगे और सी का भी निकालेंगे. ओके स्टूडेंट, सो हम स्टार्ट करेंगे अभी. सो क्या है यहाँ पे, ये डायग्राम है, इसको हमने नाम दिया है पी क्यू. पी पी क्यू आर और एस. सो इसका हमें क्या निकालना है अभी, पेरीमीटर्स निकालना है. सो हम क्या लिखेंगे अभी, फॉर्मूलाज लिखेंगे. फॉर्मूलाज में यहाँ पे लिखूंगी पेरीमीटर, पेरीमीटर्स ऑफ पी क्यू आर एस. ओके, सो हम क्या लिखेंगे अभी, एडिशन ऑफ ऑल द साइड्स मीन्स पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस क्यू. ओके, सो हम हमें यहाँ पे साइड में कुछ डायमेंशन भी दिए हुए, जैसे कि 6 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर, 3.4 और 7.4. सो हम उस साइड के डायमेंशन वहाँ पे पुट अप करेंगे. ओके स्टूडेंट, सो पी क्यू में जो हमारी पी क्यू साइड है उसके डायमेंशन क्या है, 6 सेंटीमीटर प्लस 4.4 सेंटीमीटर प्लस 3.4 प्लस 7.5 सेंटीमीटर. सो हम इन सबको ऐड कर लेंगे और कैलकुलेशन निकालेंगे और कैलकुलेट करेंगे. सो 6, 4.4, 3.4 एंड 7.5, इन सबका हम क्या करेंगे अभी, एडिशन करेंगे. सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30.21. यहाँ पे 21. सो हमारा आंसर कितना आया, एडिशन ऑफ ऑल साइड्स कितना आया, 21.3 सेंटीमीटर. यूनिट लिखना सेंटीमीटर, जो कुछ भी हमें डायग्राम में दी हुई है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है. सो हमारा यूनिट क्या होगा, पहले आंसर फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, एडिशन करेंगे ऑल साइड्स, उसके बाद हम यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर, या फिर हमें मीटर दिया होगा तो मीटर्स लिखेंगे. ओके स्टूडेंट, सो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे. ये क्या है, पेंटागन. पेंटागन मीन्स क्या, सॉरी हेप्टागन, सॉरी, क्योंकि इसमें क्या है, 7 साइड्स है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हेप्टागन बोलते हैं. ओके, सो अभी हम इसका पेरीमीटर्स निकालेंगे. यहाँ पे भी हम कई फॉर्मूला लिखेंगे, पेरीमीटर्स ऑफ, पेरीमीटर्स ऑफ क्या है हमें, ए बी सी डी ई एफ. यहाँ पे भी क्या करना है हमें, एडिशंस ऑफ ऑल साइड्स. यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ ऑल साइड्स करेंगे. सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, सी डी प्लस डी ई,
सकते हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे, साइड्स में कुछ डायमेंशन दिए हुए हैं जो कि सेंटीमीटर में है, उसको हम वहाँ पे पुट अप करेंगे। सो हमारे मैं यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ, आपको यहाँ पे नीचे नहीं दिखाई देगा, सो मैं यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ। तो हमारे डायमेंशन है ए बी साइड के कितने, 6.8 सेंटीमीटर प्लस 3.5 सेंटीमीटर प्लस कितने हैं 4.4 सेंटीमीटर प्लस 7.5 सेंटीमीटर प्लस 3.2 सेंटीमीटर प्लस 5.8 सेंटीमीटर। इन सब का हमें क्या करना है, एडिशन करना है और कैलकुलेशंस निकालना है। ओके, सो हम इन सबको ऐड करेंगे। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए तभी हमारी एडिशन बराबर आएगी। पॉइंट के नीचे पॉइंट 7.5, 3.2 एंड 5.8। सो हम इसको अभी ऐड कर लेंगे। हमारा आंसर कितना आएगा अभी, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा अभी 31.2। 8 + 2 10 10 + 5 15 15 + 4 19 19 + 5 24 24 + 8 32 एंड यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर 5 + 8 8 + 7 15 15 + 4 19 19 20 21 22 and 6 3 ओके स्टूडेंट, आपको समझ में आया अभी, अभी हमने इसका निकाला हेप्टागोन का। ओके okay?